शहडोल जिले में परिवहन विभाग द्वारा बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें नियम विरुद्ध संचालित बसों के खिलाफ लगातार हो रही शिकायतों के बाद वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर आरटीओ विभाग ने मोर्चा खोल दिया है, जहां नियम के विरुद्ध चल रहे बसों के खिलाफ अभियान चलाकर 30 अगस्त तक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिले के परिवहन विभाग के साथ साथ पन्ना आरटीओ, उमरिया आरटीओ, सतना आरटीओ, शहडोल आरटीओ, रीवा आरटीओ समेत 3 फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कार्रवाई करते हुए दर्जन भर से अधिक बसों को जब्त किया गया है, तो वहीं कुछ बसों में चालक वर्दी में नहीं थे, तो कुछ बसों का टैक्स बकाया था, तो वहीं कुछ के लाइसेंस ना होने के बावजूद बसें फर्राटे मार रही थीं। इसमें पुराने कई दिनों से जो है, पिछले कुछ 2 महीनों से शहडोल संभाग में जो है बस ऑपरेटर्स द्वारा लगातार अनैतिक कामों की सूचनाएँ जा रही थी वरिष्ठ कार्यालय तक, जिसके संबंध में जो है आरटीओ पन्ना, आरटीओ सतना, आरटीओ मरिया, आरटीओ रीवा और आरटीओ शहडोल की कंबाइंड एक टीम बनाई गई है, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड भी शामिल है, रीवा फ्लाइंग स्क्वाड शामिल है और अपना जबलपुर और शहडोल फ्लाइंग स्क्वाड शामिल है। और ये 21 तारीख से 30 तारीख तक का एक संयुक्त अभियान रखा गया है, संयुक्त रूप से चेकिंग जांच करके और इन पर जो भी कार्रवाई हो सकती है अपन को करना है, इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जा रही है। जाँच के प्रयास किया जा रहा है कि जो आगे पीछे दूसरी गाड़ियां आ रही हैं, जो खाली हैं, उस रूट की गाड़ियां हैं उनको व्यवस्थित करके भेजा जा रहा है। जो आसपास की सवारियां हैं तो लोकल जो टेम्पो और ऑटोस मिल रहे हैं उसमें अपन प्रयास कर रहे हैं किसमें बैठा करके भेज दें। कार्रवाई है, चाहेंगे हम जनता से भी, आम जनता उन्हीं के हित में है, क्योंकि दूसरे जैसे भर लेते हैं, माल भर लेते हैं, कोई पैसेंजर्स का ख्याल नहीं, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं, तो उनसे भी एक सहयोग चाहेंगे विभाग को कि उनके हित में किया जा रहा है। थोड़ा सा यदि समस्याएं हो रही हैं तो उसमें कॉपरेट करें, हम उनकी समस्याओं को साफ करने के लिए ही काम करें। बस एसोसिएशन का आरोप है, उनका ये कहना है, उनकी ये मांग है कि शहडोल आरटीओ को अगर नहीं हटाया गया तो हम बसें खड़ी कर देंगे, इस पर क्या कहें? हाँ, ये तो वरिष्ठ कार्यालय से डिसाइड होना है, हमें जो आदेश मिले हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मांग है, कुछ भी मांग कर सकते हैं। हमेशा से यहाँ यही रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई काम करता है, कोई कार्रवाई करता है, इनके अगेंस्ट जाता है, तो इनको हमेशा से यही समस्याएं रहती हैं, अनशन करना, धरना देना, चक्का जाम करना, लोगों को असुविधा प्रदान करना, जिससे मजबूर होकर के कार्रवाई ना की जाए, इनकी मोनोपोली चलती रहे, बाकी बस, की जो भी मांग है वरिष्ठ कार्यालय से। बस यूनियन का आरोप है कि नियत राशि से ज़्यादा राशि, मतलब रिश्वत ली जाती है यहाँ बस को परमिट देने के लिए। कोई भी इनके पास किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं, यदि कोई प्रमाण हो तो प्रमाणित बातें से बोलें। प्रेस वार्ता के दौरान यूनियन के अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि यदि आप कार्यालय के अंदर नहीं होते तो शायद आपके साथ वो मारपीट कर देते, इस पर क्या कहें? परसों के दिन की एक सूचना सबको ही मालूम है, आप सभी को मालूम है, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी हमने